Today, I will discuss about the online transaction. ये CBSE के बुक जो ऑनलाइन बुक CBSE ने प्रोवाइड किया है ई बुक, उसी बुक का ये कंटेंट है जिसमें हम लोग का आज जो है हम लोग अपने यूनिट टू का चैप्टर सेवन सेशन सेवन हम लोग आज सेशन सेवन का टॉपिक डिस्कस करेंगे. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इवर द रिटन इन दिस चैप्टर. इसमें हम लोग आज अभी हम लोग इस वीडियो में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में जानना चाहेंगे. ऑनलाइन ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हाट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, हाउ आर वी परफॉर्म द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. ट्रांजेक्शन का मतलब ही होता है कि जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब जब हम लोग कोई सामान परचेज करते हैं, कोई भी मटेरियल हम लोग परचेज करते हैं, किसी को हम पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब मेरा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू आता है. जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वेयर कस्टमर कैन बाई और सेल गुड्स ओवर द इंटरनेट. कस्टमर नीड्स टू हैव एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन फॉर व्यूइंग गुड्स और सर्विस ऑफर बाई ए सेलर. कस्टमर कैन पे ऑनलाइन यूजिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड और बाई इंटरनेट बैंकिंग. यानी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो नेसेसरी चीज़ है वो सबसे पहले हमारे पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए. वो आपके लैपटॉप में हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शन आप रख सकते हैं, आप डेस्कटॉप में रख सकते हैं, या आपके पास मोबाइल में होना चाहिए इंटरनेट सर्विसेज. उसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन साइट्स को विजिट करेंगे और जो कुछ भी हमें मार्केट जो भी ऑनलाइन साइट से हमें परचेज करना हो या हमें सेल करना हो तो उसके लिए हमें क्रेडिट डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी. तो कह रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कुड बी यूजफुल इन सिचुएशन व्हेन. यानी ऑनलाइन शॉपिंग कब यूजफुल है, जब एक कस्टमर डज नॉट हैव सफिशियंट टाइम टू विजिट ए स्टोर. जैसे मान लिया जाए कि आज के डेट में लॉकडाउन है और हम मार्केट में विजिट नहीं कर सकते हैं या हमारे पास टाइम नहीं है मार्केट जाने का, तो डैट टाइम हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. तो एक कस्टमर डज नॉट हैव सफिशियंट टाइम टू विजिट ए स्टोर, हमारे पास टाइम नहीं है स्टोर जाने के लिए, उस समय हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. कह रहा है कि विजिटिंग ए स्टोर इज मोर एक्सपेंसिव देन परचेजिंग ए प्रोडक्ट ऑनलाइन. जो स्टोर पे हम विजिट जाके जो हम परचेज करते हैं वो एक्सपेंसिव होता है कंपेरेटिवली ऑनलाइन के. ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज अवेलेबल ऑनलाइन. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो ऑनलाइन में अवेलेबल है, तो हम इसलिए जो है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. ऑन सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट आर, और वो कौन कौन सा पॉपुलर ट्रांजेक्शन वेबसाइट है जिस पे हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट आर IRCTC एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स. अगर हमें फ्लाइट का टिकट बनाना है और ट्रेन का टिकट लेना है तो या तो हमें रेलवे स्टेशन जाना होगा, नहीं तो हमें एयरपोर्ट जाना होगा. तो अगर हम जाना नहीं चाहते हैं तो हम IRCTC का वेबसाइट खोल के और हम वहाँ पर फ्लाइट का टिकट भी बुक कर सकते हैं और ट्रेन का टिकट भी ले सकते हैं. दूसरा है फ्लिपकार्ट. फ्लिपकार्ट एंड ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल फॉर बाइंग कंज्यूमर प्रोडक्ट. फ्लिपकार्ट से हम लोग किसी भी तरह का प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, यह भी एक वेबसाइट का नाम है. दूसरा वेबसाइट है ईबे एंड ऑनलाइन पोर्टल फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. इस पे क्या है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं.
दूसरा वेबसाइट का नाम है रेड बस, एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर बुकिंग बस टिकट। ये एक है, ये पॉपुलर वेबसाइट है रेड बस। इससे हम लोग ऑनलाइन बस का टिकट भी ले सकते हैं, बुक कर सकते हैं। टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑल यू नीड एज इन ए वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। यानी हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके पास एक वेब ब्राउजर चाहिए और एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। इन सम केसेज वेयर परचेसिंग इज इन्वॉल्व यू विल नीड टू ए वैलिड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग सपोर्ट ऑप्शन टू एज ए नेट बैंकिंग। अगर आप परचेज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। अब बिना डेबिट क्रेडिट कार्ड का आप नहीं कर सकते हैं, या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होना चाहिए। और किसी किसी केस में हम लोग पेमेंट भी ऑफलाइन करते हैं, मतलब जिसको हम लोग COD बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं है, तो बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, और परचेज करने के बाद वो हमारे घर तक आता है, और आने के बाद जो है हम आने के बाद वहाँ पे हम कैश पेमेंट कर देते हैं, जिसको हम लोग COD बोलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। वेयर द यूजर कैन पे वंस दे रिसीव द प्रोडक्ट और सर्विस। अब इसमें हम लोग को सीखना है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट, ये है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट से कैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न टू परफॉर्म एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। अब इसमें हम लोग फ्लिपकार्ट से कैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप लोग करते भी हो, यू आर ऑल फैमिलियर विद दिस टॉपिक। तो फ्लिपकार्ट इज ऑनलाइन स्टोर वेयर यू कैन परचेज अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बुक्स, एक्सेसरी, डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन एंड पेरिफेरल्स सच एज प्रिंटर etc। मतलब ये सारी चीज़ हम लोग ऑनलाइन इसे फ्लिपकार्ट के वेबसाइट के थ्रू हम लोग परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज को देखते हैं हम लोग। फ्लिपकार्ट ऑफर मल्टीपल पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई गिफ्ट वाउचर एंड कैश ऑन डिलीवरी। इन फ्लिपकार्ट वेबसाइट के थ्रू हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू परचेज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू परचेज कर सकते हैं, ई गिफ्ट, बहुत सारे गिफ्ट हमको आता है, ई गिफ्ट, कोई कोई चीज़ हम लोग परचेज करते हैं उसमें हम लोग को मिलता है कि इतना आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, आपने अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, बुक कर लिया, वो प्रोडक्ट आपके घर तक आएगा बाई कुरियर, और वहाँ आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग नहीं है। तो टू वर्क विथ फ्लिपकार्ट यू नीड टू यूज ए वेब ब्राउजर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। इफ यू वॉन्ट टू वर्क विथ द फ्लिपकार्ट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए वेब ब्राउजर, दैट इज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड एन एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, और आपके पास एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आप फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, मान लिया जाए कि हमको फ्लिपकार्ट से आज कोई बुक खरीदना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बुक खरीदना है, तो मान लिया जाए कि मेरे पास एक लैपटॉप है और वहाँ हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम ओपन एनी ब्राउजर सर्च एज फायरफॉक्स, क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर, कोई हमने ब्राउजर खोल लिया, जैसे मान लिया जाए कि मैंने क्या खोल लिया, फायरफॉक्स खोल लिया। खोलने के बाद सबसे टॉप पे हम क्या टाइप करेंगे, www.flipkart.com, कहाँ टाइप करेंगे, एड्रेस बार में। ये कौन सा बार होता है, आपका मेनू बार से नीचे होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बार। तो हम लोग उसको एड्रेस बार पे अपना flipkart.com टाइप करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे, उसके बाद इस तरह का आपका जो है ये स्क्रीन आपका आ जाएगा। इसके बाद जब ये स्क्रीन आएगा मेरा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मस्ट सिक्योर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट। हमें सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है, इसमें हम लोगों को सबसे पहले जो है दैट ये पेज हमारा डिस्प्ले करेगा, जब हमारा ये पेज डिस्प्ले करेगा इस तरह का, ये पूरा आएगा मेरा पेज। पेज आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट। अब हमें क्या करना है, टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग फ्लिपकार्ट यू नीड टू साइन अप फॉर योर फ्लिपकार्ट अकाउंट। सबसे पहले हमको फ्लिपकार्ट अकाउंट में साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले हमें एक हमारे पास ईमेल आईडी होना चाहिए, या फेसबुक अकाउंट होना चाहिए, कुछ भी एक होना चाहिए।
टू लोकेट एंड क्लिक द साइन अप लिंक एट टॉप ऑफ द वेब पेज विंडो सिमिलर टू वन बिलो विल डिस्प्ले। इस तरह का जब आप फ्लिपकार्ट वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालेंगे, कोई दूसरा पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे हम अपने ईमेल का पासवर्ड नहीं डालेंगे, यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोलने के लिए कोई पासवर्ड डाल देंगे, ठीक है। और उसी पासवर्ड के थ्रू जो है सो हम लोग अपना काम करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब हम www.flipkart.com अपने वेब ब्राउजर पर टाइप किए, टाइप करने के बाद हम इंटर की प्रेस किए, उसके बाद जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ऐसा आएगा, फिर इस तरह के आएगा। यहाँ हम अपना ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड, ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, फ्लिपकार्ट का पासवर्ड, हम कोई भी ABCD कुछ भी रख लेंगे वो यहाँ पर डालेंगे। लाइन करने के बाद यहाँ पर साइनअप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ईमेल एड्रेस, यू मस्ट प्रोवाइड योर ईमेल, जैसे मैं आपको बताया। द ईमेल एड्रेस इज ऑल्सो यूज फॉर सेंडिंग ऑफर मेल, प्रोमोशनल मेल, द ईमेल एड्रेस विल यू टू द लॉगिन नेम ऑफ योर फ्लिपकार्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे वहाँ हमने पासवर्ड डाल के क्लिक ऑफ साइन अप कर दिए, तो देखिए आपका इस तरह का स्क्रीन आएगा, ये इस तरह का आपको स्क्रीन देखने को आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या खरीदना है, जो भी बुक खरीदना है, जो भी प्रोडक्ट को खरीदना है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है। तो और इधर देखिए ऑल कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को बुक खरीदना है, तो यहाँ पे बुक, जब बुक पे क्लिक करेंगे तो केवल बुक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगा। मोबाइल और एसेसरी खरीदना है तो कंप्यूटर्स है, कैमरा है, गेमिंग है, म्यूजिक है, टीवी है, होम एंड किचन है, पेंस है, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं सब कुछ एक बार परचेज कीजिएगा। नहीं, आपको मान लिया जाए कि अभी आपको बुक परचेज करना है, तो हम यहाँ पे बुक पे क्लिक कर देंगे तो ये फिल्टर हो जाएगा, बुक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन और कैटेगरी टोटल आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। उसके बाद कार्ट वन में हम लोग ऐड कर लेते हैं, जो भी हम लोग को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे कार्ट वन में ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग प्लेस ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है। आपने देखा फ्लिपकार्ट पे कैसे हम लोग प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग बुक परचेज करते हैं, कैसे हम उसको बुक करते हैं। उसके बाद हम लोग को देखना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर बुकिंग है रेल टिकट। अब हम लोग रेल टिकट कैसे बुक करेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम लोग टाइप करेंगे www.irctco.in टाइप कर लेंगे। जैसे आप टाइप करोगे आपके कंप्यूटर में इस तरह का स्क्रीन आएगा, जो आपको हम स्क्रीन दिखा रहे हैं ये स्क्रीन इस तरह के IRCTC पे आएगा। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कैसे आप रेलवे टिकट बुक करेंगे और कैसे आप एयरलाइन टिकट्स बुक करेंगे घर बैठे ऑनलाइन, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने क्या किया, सबसे पहले अपने इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लिया, उसके बाद उस पर टाइप किया www.irctc.co.in। उसके बाद आपको इस तरह का स्क्रीन आया। यहाँ आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। जैसे लॉगिन करने के लिए आपको अपना इसमें एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करेंगे। या अगर आपने पहले से बना रखा है तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन यूजिंग IRCTC यू नीड टू साइन अप फॉर एन IRCTC अकाउंट। सबसे पहले इफ यू वांट टू परफॉर्म द ट्रांजेक्शन यूजिंग IRCTC यू नीड टू साइन अप फॉर एन IRTC अकाउंट। लोकेट एट द क्लिक साइन अप लिंक, जैसे मैं आपको बताया, इन द टॉप ऑफ द वेब पेज विंडो सिमिलर टू वन बिलो विल बी डिस्प्ले। फॉर साइन अप विथ IRCTC यू विल बी रिडायरेक्टेड टू वेब पेज फॉर साइन अप विथ IRTC सिमिलर टू वन बिलो पर्सन स्क्रीन प्रोसीजर टू फिलिंग अप द डिटेल्स टू कम्प्लीट द रजिस्ट्रेशन। अब हमको क्या करना है कि मैं फर्स्ट यूजर हूँ, मुझे IRCTC पे टिकट बनाना है, तो जो इन्फॉर्मेशन मांगेगा साइन अप करने के बाद, ये आपका इस तरह का स्क्रीन आएगा जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये स्क्रीन स्क्रॉल करा रहा हूँ। ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग भर देंगे, भरने के बाद आप ओके कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो गया।
क्रिएट होने के बाद आपको इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब आपको क्या क्या बुक करना है, फ्लाइट, होटल, टूरिस्ट, जो भी बुक करना है आप इसमें से बुक कर सकते हैं। रेलवे में आप आ जाइए, टिकट बुक करना है, आप यहाँ पे आप टिकट का टाइप सेलेक्ट कर लीजिए, कोटा सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक जाना है कीजिए, फाइंड कीजिए, टोटल ट्रेन का यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा, किस ट्रेन में कितना सीट खुला हुआ है वो भी आप देख सकते हैं, कितना यहाँ पे ये जो अवेलेबल दिखा रहा है, इतना सीट इस ट्रेन में अवेलेबल है, इस ट्रेन में ये है, डेट वाइज ये सब दिखा रहा है, और उसके हिसाब से आप इसको IRCTC पे टिकट को बुक कर सकते हैं। अब ये आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में हम आप लोगों को बताया हाउ टू बुक द टिकट फ्रॉम द IRCTC एंड हाउ टू परचेज, कैसे हम परचेज करेंगे थ्रू द flipkart.com, और भी आप लोग को वेबसाइट मैंने बताया, तो उसको आप लोग को बताया कैसे करना है वो भी मैंने बताया। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज है जो हम लोग को करना है, क्या करना है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टिल यू आर कॉन्फिडेंट। आप सबसे पहले रजिस्टर विद द जंगली www.com, इसमें आप रजिस्ट्री एक्टिविटी करना है आपको, या यात्रा एंड प्रैक्टिस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इस पर आप एक अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद मुझे मेल करेंगे कि हाँ आपको क्रिएट करने आ गया है, वो मैं कंफर्म हो जाऊँ कि आपने एक्टिविटी किया है, इसको आप मेल करेंगे। जिस एक्टिविटी आप इस एक्टिविटी को करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, उस अकाउंट को मुझे मेल कर देंगे, मुझे पता चल जाए कितने स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी को परफॉर्म किया है। फिर उसके बाद आपको असेसमेंट क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग, ये क्या करना है, इसको आपको अपने कंप्यूटर्स के कॉपी में इसका आंसर बनाना है। क्या बनाना है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वीडियो में भी दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, आप वहाँ से भी आंसर लिख सकते हैं। आप और भी बुक पढ़ के आप और बेहतर आंसर लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया, जो आपने समझा आप क्या पर्पस है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, आपको ये आपको आंसर अपने कॉपी में लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, दैट इज ऑलरेडी द वीडियो में भी ये आंसर दिया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वेबसाइट, तो यू हैव टू राइट, वीडियो को वॉचिंग द वीडियो एंड फाइंड आउट द आंसर एंड राइट इन योर कॉपी, लिस्ट एनी 5 वेबसाइट दैट अलाउ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 3 पेमेंट टूल्स टू यूज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कौन कौन से पेमेंट टूल्स के थ्रू आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो भी आपको वीडियो में दिखाया गया और बताया गया, इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। आप जानते भी, आपने वीडियो को देखा तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये आपका असाइनमेंट हो गया जो आप अपने कॉपी में बनाएंगे, और बनाने के बाद उसका पिक्चर लेंगे, और पिक्चर लेने के बाद मुझे ईमेल करेंगे, किस ईमेल पे करेंगे, तो इस ईमेल को नोट कीजिए, gdtiwari966@gmail.com, इस पे आप असाइनमेंट को बनाएंगे, कॉपी से पिक्चर लेंगे और मुझे मेल करेंगे। फिर एक बार मेल आईडी सुन लीजिए, gdtiwari966@gmail.com, ओके, सब एक साथ है, gd